करती हैं। आज मैं फिश की नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो फ्राइड फिश है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो सब्जी गोश्त या फिर आप कह रहे हैं कि फिश जो है उसका अपना टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आ गया आपका हम बनाते हैं गोभी बनाते हैं, तो गोभी गोश्त में बना बिल्कुल उन्हीं मसालों के साथ रही हूँ जो हमारे रूटीन में नमक मिर्च हल्दी और धनिया सूखा धनिया डाल रहा है, लेकिन सिर्फ एंड पे मैंने वो जरूरी एक मसाला डाला है जिसकी वजह से उसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल आता है, वो है जी अजवाइन। ठीक है, तो इसी तरह ही मैं जो मेरी पर्सनल रेसिपीज या जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी हुई है वो यही है कि बहुत ज़्यादा मसाले डालने से चीज़ का अपना टेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ इसका क्या, हाँ मछली जो हम फिश फ्राई करने लगे हैं उसके मसाले में भी तीन चार गिनती की चीज़ें। ठीक है, सिर्फ आपने उससे बनानी बहुत मज़े की बनती है। और एक जो सबसे यूनिक चीज़ है जो मैंने अभी तक देखी है कि लोग नहीं यूज़ करते, जो हम उसकी कोटिंग के लिए मैं कोई मैदा नहीं यूज़ कर रही, कोई मैं वो यूज़ नहीं कर रही, बेसन यूज़ नहीं कर रही, वरना लोग बेसन का बैटर बना के भी यूज़ किया जाता है, मैं यूज़ कर रही हूँ आटा। आए मैं आपको पूरी रेसिपी बताती हूँ और देखते हैं और आप बना के देखिएगा। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं चटनी यूज़ करती हूँ वो है जी मूली और अखरोट की चटनी, तो उसकी वीडियो भी एक अलग बनेगी, वो मैं साथ टैग कर दूंगी, वो आप लोग प्लीज़ उसके साथ देखिएगा। अगर ये मछली बनाएंगे तो प्लीज़ 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 वो चटनी साथ। अच्छा जी, मैंने अभी ली है तकरीबन एक किलो मछली है। ठीक है, एक किलो मछली ले ली है, ये भी काला रोहू है। और जो आपने ये करना है कि ना बहुत बड़ा पीस लेना मछली का और ना ही बहुत छोटी मछली लेनी है, मीडियम साइज़ की मछली लेनी है। इसके लिए आपको चाहिए दही, दही है ये आधा पाव, लहसुन की पेस्ट है ये हैं जी तीन बड़े चम्मच इसके टेबल स्पून, ठीक हो गया। लाल मिर्च चाहिए आपको, ठीक, और आपको साथ चाहिए अजवाइन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बहुत आसान है, जितनी आसान है उतने ही मज़े की भी बनती है, बहुत ज़्यादा मसाले मसूले डाल के हम सिर्फ मसालों का टेस्ट ज़्यादा कर देते हैं और उसमें जो असल चीज़ का टेस्ट होता है वो गायब हो जाता है। खैर मुझे तो अच्छा, अब इसको लगा हुआ था नमक भी और नींबू भी, ठीक है, वो लगा के एक रात इसको रख दिया, उसे नमक में भी लगा रहा, नींबू भी लगा रहा। अब उसके बाद इसको धोकर फिर हमने आगे इसको यूज़ करना है। दही लिया, दही में हम लोगों ने डालना है जी लहसुन की पेस्ट, दो बड़े खाने की चम्मच बहुत है इसमें, ठीक हो गया, इसको मिक्स करें। अब इसमें हमने जो लाल मिर्च है वो थोड़ी ज़्यादा डलेगी, इस तरह करके मैं डाल रही हूँ, ठीक है, एक और दो और ढाई चम्मच मैंने इसमें मिर्च डाल दिए। और आपका जो अजवाइन है वो आपका डलता है बिल्कुल हाफ टी स्पून, ठीक है। अब हमने इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा, अब मैंने इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डाला, क्यों, क्योंकि इसको नमक लगा हुआ था। अगर तो आपने इसको पहले नमक नहीं लगाया हुआ तो आपने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने नमक डालना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि हम लोग ये फिश को उठा रहे हैं, इसको हमने ये इसका बैटर तैयार हो गया, अब इसको हमने लगाया और हम इस तरह रखते जाएंगे। जब आपने इसका बैटर इसको लगा लेंगे तो उसके बाद आपने फिर कोशिश करनी है कि एक दिन बाद यूज़ करनी है ताकि इसका मसाला भी मछली को लगा रहे, ठीक हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इकट्ठी ज़्यादा सारी मछली लेकर आएँ और उसको लगाएं और उसको फ्रीज़ कर दें, फिर जब भी आपको चाहिए, या पैकेट्स बना के रख लें, जब आपको चाहिए आप एक पैकेट निकालें और जल्दी से उसको फ्राई करें खाली। सिर्फ ये टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक हो गया। इस तरह इसको अब एक दिन के लिए मैंने रख देना है। अब मैं एक दिन बाद आपको इसको बताऊँगी कि फ्राई कैसे करना है। फ्राई भी थोड़ा डिफरेंट है, ये सारा जो उसका बैटर है वो आपने इसी के अंदर यूज़ करना है। अच्छा जी, हमने इसको एक दिन लगा कर रखा है इसको, ठीक है, मसाला लगा कर रखा है, सब कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया क्योंकि दही ने भी छोड़ा और मछली ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है। और मैंने इसके कोटिंग के लिए मैंने लिया है जी आटा, जो हम आम आटा यूज़ करते हैं घर में रोटी बनाने के लिए। अच्छा जी, इस तरह मैंने आप ये इसका पीस उठाएँ, ठीक हो गया, और इसको अच्छा मैं अब आपको दो तरीका क्या दूसरा वो तो सबको पता है, मैं फ्राई भी करूँगी, ठीक है, कुछ पीसेस फ्राई करूँगी और कुछ पीसेस जो हैं वो मैं उसमें आपको करके दिखा देती हूँ कि क्या शक्ल बनेगी उनकी एयर फ्रायर में, ठीक है। जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, वो एयर फ्रायर कर लें उसको और उस तरह यूज़ कर लें। अच्छा जी, मैं अब इसकी फ्राइंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल है, इसका भी मैं आप एक वीडियो में बता दूँगी। बहुत से लोगों को होता है कि जी खाने में उसकी बू आ जाती है, ऑयल की बू आती है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है, खानों में, लेकिन वो ये है कि उसका भी बताऊंगी उसकी भूख कैसे हमने ख़त्म की और फिर उसको यूज़ किया। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने गर्म किया हुआ था, ये आप डाल दें इसमें, ठीक है, इसको पहले आपने हल्की आंच पर पकने देना है ताकि मछली जो है वो अंदर तक पक जाए। और उस असल में मछली पक तो बहुत जल्दी जाती है,
पकने का उसका मसला नहीं है, मसला उसका होता है जी जो पानी छोड़ती है, वो पानी खुश्क होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, समटाइम्स हम एक टेक्निक ऐसे भी है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनकी मछली फ्राई करने से फिर भी पानी रह जाता है उनकी मछली में, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि मछली को आपने फ्राई किया, ठीक है, ओवन को आप ओवन को पहले थोड़ी देर के लिए प्री हीट करें और उसके बाद आप मछली को ओवन में रखें, बहुत हल्की आंच पे ओवन चला के ना आप उसको उसमें रख देंगे। जब वो उसके अंदर हीट में ही पकती रहेगी तो फिर उसका सारा पानी जो है वो उसमें से खुश्क हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, हम मछली भी रख देते हैं इसको एयर फ्रायर में, जो ताकि दोनों हमारी एक ही टाइम में हो जाए और हमें उन दोनों की शक्लों का कंपैरिजन भी करना है, ठीक हो गया इसको। अच्छा, अब मैं आपको दो सब चीज़ें करके दिखा रही हूँ। एक के ऊपर मैं लगा देती हूँ आटे की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, और एक पे मैं नहीं करती ताकि आपको दोनों की उससे अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो मतलब इस तरह का आटा नहीं खाना चाहते एयर फ्रायर में भी करके, ठीक है, उससे भी उनको पता चल जाएगा क्या शक्ल निकलती है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि आप आटा लगा कर ही उसको करें, एयर फ्रायर में भी आटा लगा कर ही करें। दो को मैं रख देती हूँ, एक का हमने सिर्फ शक्ल चेक करनी है कि क्या निकल रही है, ठीक है। अच्छा, ये करके मैं आपको उसकी भी शक्ल दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने ऑयल में डाली हुई है फिश। अच्छा जी, ये हो गया, इसको हमने रख दिया, इसको हमने 180 डिग्री पे रखना है जी, और हम रख रहे हैं इसको 20 मिनट्स के लिए, ठीक हो गया। जब तक हमारा ये काम करे तब तक हम दूसरी फिश की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब इस फिश की तरफ हम आते हैं, इसकी शक्ल कुछ ऐसी सी है, हल्की आंच पे भी पक रही है ये, ठीक है, और मैंने इसको बड़े आराम से बड़े ही प्यार से इसकी मैंने साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाए, ठीक है। जब ये दूसरी साइड से पक जाएगी उसके बाद हमने आंच तेज करनी है ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। पहले आप कर देंगे तो ऊपर कोटिंग सारी जो है वो क्रिस्पी हो जाएगी और वो जल जाएगी और वो अंदर से इसका पानी भी नहीं खुश्क होगा। अच्छा जी, तो अब ये इसका ये देखें, इसके लिए वो बबल्स बन रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये अब इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया, ठीक है, समझा, ये पक गई और इसमें से पानी निकल गया। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि आपने मछली को दबाना नहीं है, अगर उसे हम दबाते हैं ना पानी निकालने के लिए तो वो और ज़्यादा ऑयल जो है वो सक कर लेती है। अब मैंने इसकी कर दी है थोड़ी सी आंच तेज, ठीक है, अब इस तरह इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये दोनों तरफ से पक भी अच्छी बढ़ जाएगी। साइड चेंज कर लें जी, अभी मछली की शक्ल हो गई है, देखें अब उसके सारे वैसे बबल्स बनना बंद हो गए हैं, इसको जल्दी से निकाल लें ताकि इसको डिस्टर्ब कर लें। अच्छा जी, तो अब मैं कह रही हूँ ये निकाल के देखते हैं। देखिए, इसका एक्सपेरिमेंट भी मैं आप लोगों के साथ ही करी थी, जो हम लोगों ने बैटर के साथ लगाई थी, जो आटा खुश्क था ना वो इसी तरह ही खुश्क ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो वो थी बगैर आटे की थी वो बड़ी अच्छी बन रही है। तो एक्सपेरिमेंट हमारा ये कह रहा है कि हमने जब एयर फ्राई में करेंगे तो हमने उसको आटा नहीं लगाना, हमने वैसे ही फ्राई करनी है, वो फ्राई बेक करनी है, वो बेक होकर हमें पता चलेगी। अच्छा जी, अब हमारी हो गई है जो एयर फ्राई में मछली थी वो भी हो गई है एयर फ्रायर में, आटे ने अच्छा खासा गंध मचाया हुआ है, तो हम ये देख लेते हैं। ये देखें, इसकी शक्ल कुछ ऐसी सी है, ठीक है, इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। इन दोनों की आप वो देख लें, शक्ल देख लें, इस तरह की बनी हुई है, ये हो गई है जी फ्राइड और ये हो गई है एयर फ्राइड, ठीक हो गया, यहाँ से आपको सही पता चल रहा है। तो ये भी क्रिस्पी है, पक गई है, इसका सिर्फ ये है कि इसमें ऑयल नहीं है और इसमें ऑयल है। तो इसको मैं आपको इसको लीमू के साथ ऊपर मतलब लीमू निचोड़ के खाएं, इसको वैसे खा लें, रोटी के साथ खाएं। अब उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जाकर बताइएगा कि कैसी बनी है, आप लोगों को कैसी पसंद आई है या नहीं आई है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर लाजमी करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।